फ्रेंड्स, मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं कि बाउंड टू और बाउंड बाई में क्या फर्क है, यानी कैसे समझे कि कब हमको बाउंड टू बोलना है और कब हमको बाउंड बाई बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, बाउंड टू का मतलब मुकर्रर है या मुअय्यन है या तय है, जबकि बाउंड बाई का मतलब बंधा हुआ है। जैसे अगर आपको कहना हो इंसान का मरना मुकर्रर है या इंसान का मरना मुअय्यन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मैन इज बाउंड टू डाई, यानी इंसान का मरना मुकर्रर है, यानी इस चीज को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा होना ही होना है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखें। मैं अपने वायदा से बंधा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा आई एम बाउंड बाई माई प्रोमिसेस। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब मुझे कहना हो बंधा हुआ हूँ तो मैं बोलूंगा बाउंड बाई। फ्रेंड्स, बंधा हुआ होना मीन्स सचमुच का बंधा हुआ होना नहीं, बल्कि किसी रिश्ते में बंधा हुआ होना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा कि बाउंड टू मतलब तय है, मुकर्रर है, मुअय्यन है, जबकि बाउंड बाई मतलब बंधा हुआ है। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यू आर बाउंड टू गो टू जेल। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुमको जेल जाना तय है, तुमको जेल जाना मुकर्रर है, तुमको जेल जाना मुअय्यन है, या तुमको जेल जाना निश्चित है, यानी इसे कोई टाल नहीं सकता, जाना ही जाना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, आई एम बाउंड बाई माई वर्ड्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं अपने वादों से बंधा हुआ हूँ या मैं अपनी जुबान से बंधा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोला बाउंड बाई, जिसका मतलब होता है बंधा हुआ हूँ, यानी किसी बंधन में बंधा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सभी टॉपिक्स शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे 3 और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।